ये विहंगम दृश्य है फिलिस्तीन शहर का और इस दृश्य को फिल्माया गया है उस हेलीकॉप्टर से जिसमें सवार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फिलिस्तीन के रामल्ला पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी के रामल्ला पहुंचने की सबसे खास बात यह रही कि फिलिस्तीन तक उन्हें विदा करने के लिए जॉर्डन और इजराइल के रॉयल चॉपर यानी हेलीकॉप्टर्स साथ में थे। पीएम मोदी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जॉर्डन और इजराइल ने अपने रॉयल चॉपर को पीएम मोदी की सुरक्षा में लगाया था। पीएम नरेंद्र मोदी जब फिलिस्तीन की धरती पर उतरे तो उनका भव्य स्वागत फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने किया और पीएम मोदी को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर पहनाया, जो फिलिस्तीन में किसी भी विदेशी मेहमान को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किए जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन पहुंचकर सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति यासिर अराफात के मकबरे पर फूल चढ़ाए और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। कूटनीतिक तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलिस्तीन यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पिछले साल 2017 में जब पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे और उन्होंने फिलिस्तीन की यात्रा नहीं की थी, तब इसे भारत की बरसों पुरानी विदेश नीति का उल्टा माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऐतिहासिक फिलिस्तीन यात्रा को गलतफहमी दूर करने के साथ ही एक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इजराइल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि फिलिस्तीन के साथ पुराने रिश्तों में कोई बदलाव आएंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।